नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हेडलाइंस न्यू भारत। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही, दिल्ली में पानी की किल्लत को लेकर जल मंत्री आतिशी अनशन पर है और इसी को लेकर बीजेपी ने एक वीडियो जारी करके तंज कसा है। आतिशी के अनशन में भी घोटाला, बीजेपी वीडियो से दिखा रही सबूत, बोली कि रात भर मंत्री सत्याग्रह से भी रही गायब। दिल्ली की जल मंत्री आतिशी शुक्रवार को अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठ गई। अब बीजेपी दावा कर रही है कि दिल्ली की जल मंत्री आतिशी सत्याग्रह से रात भर गायब रही। दिल्ली की दबंग राजनीति में इन दिनों पानी का मुद्दा हावी है। जल संकट से जितनी राजधानी की जनता बेहाल है, सियासत उतनी ही सिर चढ़ रही है। हाल तो यह है कि जनता का कोई माईबाप नहीं, क्योंकि विपक्ष में बैठी बीजेपी और कांग्रेस सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। सत्ताधारी आपकी जल मंत्री सत्याग्रह पर बैठ गई है, हालांकि इस पर भी राजनीति शुरू हो चुकी है। बीजेपी दावा कर रही है कि आतिशी सत्याग्रह में भी घोटाला कर रही है। जल संकट पर राजनीतिक रसाकसी के बीच दिल्ली की जल मंत्री आतिशी शुक्रवार को अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठ गई। उन्होंने आरोप लगाया कि हरियाणा सरकार दिल्ली के हिस्से का पानी नहीं दे रही है। जंगपुरा पास भोगल में उनके साथ आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह और पार्टी के अन्य सदस्य भी थे। भोगल जाने से पहले उन्होंने राजघाट पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। हालांकि अनशन की पहली रात आतिशी सत्याग्रह के मंच से गायब दिखी, जिसका दावा बीजेपी ने किया है। दिल्ली बीजेपी ने एक वीडियो शेयर किया है जिसमें जल मंत्री आतिशी का मंच दिख रहा है। वीडियो में देखा गया है कि आतिशी के अनशन स्थल का मंच खाली था, नीचे कुर्सियों में सिर्फ एक व्यक्ति बैठा है। बीजेपी ने सवाल किया कि कौन सा अनिश्चितकालीन सत्याग्रह है जहां आतिशी लंच के समय रात में एसी के कमरे में खाने और आराम करने चले जाती। बीजेपी यह दावा कर रही है कि दिल्ली की जल मंत्री आतिशी सत्याग्रह से रात भर गायब रही है। बीजेपी ने कहा कि गजब का घोटाला चल रहा है। इधर आतिशी के अनशन का आज दूसरा दिन है। आतिशी ने दिल्ली वासियों के लिए वीडियो संदेश भेजा है। आतिशी कह रही है कि मैंने हर संभव रास्ता अपनाकर देख लिया, लेकिन अब किसी भी रास्ते से हरियाणा सरकार पानी देने के लिए तैयार नहीं हुई, तो मेरे पास अनशन पर बैठने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। दिल्ली वाले एक एक पानी की बूंद को तरस रहे, इसलिए मैं कल से अनशन पर बैठी हूं। आतिशी ने कहा कि आज भी पानी की कमी बनी हुई है, कल पूरे दिन भर में 110 MGD पानी कमाया। मैं अनशन पर तब तक बैठी रहूंगी जब तक हरियाणा सरकार दिल्ली को पानी नहीं दे देती। मैं तब तक खाना नहीं खाऊंगी जब तक दिल्ली के 28 लाख लोगों को हरियाणा से पानी नहीं मिल जाता। इस पर आप अपनी क्या राय रखते हैं कमेंट जरूर करें। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ब्यूरो रिपोर्ट, हेडलाइंस न्यू भारत।